दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे और एकदम सेहतमंद होंगे। आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग एंड डिफरेंट होने वाली है बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ कैंपिंग ट्रिप। मैं पहली बार कैंपिंग करने जा रही हूँ। इट विल बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो मैं ये वाली वीडियो फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे शेयर कर रही हूँ। सिंस हम लोग फर्स्ट टाइम कैंपिंग करने जा रहे थे तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कैंपिंग से रिलेटेड, क्या गेयर चाहिए होते हैं, कैसे प्रिपेयर्डनेस चाहिए होती है इसके लिए। सो वी थॉट कि हम REI स्टोर आते हैं, यहाँ पे गेयर्स देखते हैं, कुछ आइडिया लगाते हैं। एंड द स्टोर इज सच अ ह्यूज स्टोर, यहाँ पे कैंपिंग बैक पैकिंग से रिलेटेड हर चीज़ मिलती है। Obviously this store is super expensive, तो हमने यहाँ से कुछ चीज़ purchase नहीं की। हमने यहाँ पे एक दो चीज़ें rent की थी और जो बाकी की camping essentials थे वो हमने अपने friends से arrange कर लिए थे। और यहाँ पे जो camping, जब आप जाते हो तो क्या क्या चीज़ें mind में रखनी होती हैं उसकी भी एक list लगा रखी थी इन्होंने, और camping essentials क्या क्या होते हैं उसका भी एक list था, तो वो मैं आप लोगों के साथ भी share कर रही हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं पैकिंग की। और पैकिंग से पहले मेरा फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हर चीज़ को मैं नोट डाउन कर लूँ, जो भी मुझे पैक करना है एक एक्सटेंडेड लिस्ट बना लूँ, उसके बाद अपनी मैं पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। जैसे अभी हमने 2 डेज़ की ट्रिप लगाई थी सेंट लुई की, तभी मैंने इसी तरीके से हर चीज़ को नोट डाउन कर लिया था जो जो मुझे पैक करना था। उसके बाद बच्चों के साथ ना पैकिंग बहुत आसान हो जाती है, कोई भी चीज़ आप भूलोगे नहीं और काफ़ी अच्छे से आपकी ट्रिप प्लान हो जाती है। तो यहाँ पे जो भी कैंपिंग से रिलेटेड सामान हमें पैक करना है उसकी मैं एक एक्सटेंडेड लिस्ट बना रही हूँ। सिमिलरली जो हमें फूड आइटम्स पैक करने हैं उसकी लिस्ट बनाऊँगी, और क्लोथिंग से रिलेटेड जो भी हमें पैक करना है उसकी मैं लिस्ट बनाऊंगी। तो इस तरीके से मेरी 3 लिस्ट रेडी होंगी। तो ये देख लीजिए, मैं लिस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो कैंपिंग के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो सब मैंने इस लिस्ट में लिख दी हैं, और दूसरी लिस्ट में जो फूड आइटम्स हैं वो मैंने कुछ लिखे हैं और क्लोथ्स लिखे हैं। ऑब्वियसली जब आप अकेले जाते हो तो आप बिना सोचे समझे निकल जाते हो, थोड़ा कम सामान है तब भी काम चला लेते हो, बट बच्चों के साथ ना हर चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम लोगों का सिर्फ एक ही दिन का प्लान है। फूड आइटम्स में हमने पॉटलक प्लान किया है, हम लोग 7 फैमिलीज मिलके जाने वाले हैं, तो कोई कुछ आइटम बना के लाएगा, कोई कुछ आइटम बना के लाएगा। तो यहाँ पे हमने लिस्टिंग कर ली है, अब बारी आती है पैकिंग की। तो जो जो गेयर्स हमारे हैं वो मैं एक साइड रखवाती जा रही हूँ जिससे कि वो इजी हो कार में लोड करना। ये हमने एक बैग बना लिया है जो भी हमारे टूल्स जाएंगे, क्योंकि हमें कैंप ग्राउंड में अपना टेंट लगाना होगा, और वैसे भी जब आप कैंपिंग करने जाते हो तो टॉर्च लाइट ये सब आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने एक्सटेंशन कॉर्ड, कैंपिंग लाइट और मल्टी प्लग पॉइंट ये सब रख लिया है। और बिफ़ोर गोइंग फॉर द कैंपिंग आप अपने कैंप ग्राउंड को अच्छे से समझ लीजिए कि वहाँ पे आपको पावर सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो किस तरीके से आप वहाँ पे मैनेज करेंगे वो सब आप प्लान कर लीजिए। तो उसके बाद जो जो चीज़ें अभी तक पैक हो गई हैं वो इजी होता है, उसको बस आप कट कर दीजिए। आपको पता है ये चीज़ें पैक हो गई हैं और जो चीज़ें लेफ्ट ओवर हैं वो अभी स्टिल पैक करनी है। यहाँ पे मैंने अपने एयर बैग में कुछ एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स पैक किए हैं, कुछ पिलोज पैक किए हैं। वैसे तो हमारे पास स्लीपिंग बैग्स हैं, बट इन केस अगर काफ़ी ठंडा हो जाएगा तो बच्चों के साथ कुछ एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स भी हमारे पास रहने चाहिए। और हमारे जो कैंपिंग साइट है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, तो हमने अपना जो रूम हीटर है वो भी छोटा सा पैक कर लिया है अपने टेंट में लगाने के लिए। और यहाँ पे कुछ और जो चीज़ें हैं लाइक हैंड ग्लव, सैनिटाइज़र, बग स्प्रे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो बग स्प्रे आप ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि ओपन में है, ग्रास रहेगी तो बग्स हो सकते हैं, इसीलिए मैंने ये बग स्प्रे पैक किया है, कुछ सैनिटाइजिंग वाइप्स और ये सब भी पैक कर लिया है। अब बारी आती है फूड आइटम्स की। तो फूड आइटम्स रैंडमली बच्चे जा रहे हैं तो कुछ चिप्स, बिस्किट्स एंड नमकीन वो सब पैक किया है, और ये मेरे पास एक बैग है जिसमें मैं अपने फूड आइटम्स पैक करूँगी। और मुझे पुलाव लेके जाना है तो वो भी मैं अभी बनाऊँगी और बाद में पैक करूँगी। और यहाँ पे बच्चों के क्लोथ्स मैंने काफ़ी सारे रखे हैं। गोविंद के लिए एक चेंज ऑफ क्लोथ्स रखे हैं क्योंकि बच्चे खेलेंगे, मिट्टी वगैरह लग जाएगी, तो अगर मुझे नेक्स्ट डे चेंज करना रहेगा तो उसके चेंज ऑफ क्लोथ्स रखे हैं, और एक मोटी जैकेट उसके लिए मैंने पैक कर ली है।
और अब अगर मैं केशव की बात करूँ तो केशव के लिए तो मैंने बहुत सारे कपड़े रख लिए हैं, क्योंकि वो दूध पी के काफ़ी बार स्पिट कर देता है, कपड़े गीले हो जाते हैं तो मुझे चेंज करने पड़ सकते हैं। एक मोटा उसका सेपरेट ब्लैंकेट रख लिया है, बेबी नेट रखा था मैंने, वो मैं दिखाना भूल गई क्योंकि मच्छर वगैरह होंगे तो मैं नेट लगा के बच्चे को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करूँगी बाहर। और ये कुछ मैंने स्वेटर्स पैक की हैं, ये बहुत ही क्यूट स्वेटर्स हैं, ये मेरी मदर इन लॉ ने गोविंद के टाइम पे बनाई थी, गोविंद ने पहनी और अब उसका भाई पहनेगा, तो ये साड़ी मेरे पास जब इंडिया का पार्सल आया था ना तब आई थी। और ये साड़ी ना कोऑर्डिनेटेड है, ये सब स्वेटर्स हैं, इनके साथ की बूटीज़ हैं मेरे पास और कैप्स हैं, तो मैंने कुछ कुछ पेयर्स पैक कर लिए हैं जस्ट इन केस मुझे चाहिए होंगी तो मैं यूज़ कर लूँगी। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप छोटे बेबीज़ के साथ ट्रिप्स प्लान करें तो ट्रिप्स को कोशिश करें शॉर्ट एंड स्वीट रखें। जैसे कि हम सेंट लुई गए थे तो हमने 2 डेज़ का ट्रिप प्लान किया था, अभी जहाँ हम कैंपिंग करने जा रहे हैं वो जस्ट 70 miles है हमारे घर से, 1.5 hour ड्राइव पे। सो इन केस अगर बच्चे अनकंफर्टेबल हुए तो हमने प्लान बनाया है कि हम शाम को इंजॉय करके रात तक वापस आ जाएंगे, इट्स जस्ट 1.5 hour ड्राइव फ्रॉम आवर प्लेस। और अगर बच्चे कंफर्टेबल हो गए तो हम भी कैंपिंग इंजॉय करेंगे। तो चलिए जी, सब पैकिंग वगैरह हो गई है, मोस्टली डन है, अब करते हैं सैटरडे के दिन की शुरुआत। ये हमारा अर्ली राइजर है, उठ के नीचे आ गया हमारे साथ साथ, एक्चुअली ये जल्दी उठ जाता है तो हमें इसके साथ उठना पड़ता है चाहे वीकडे हो चाहे वीकेंड हो। तो ये उठ गया था, गोविंद अभी स्टिल सो रहा है, उसको मैं नहीं जगा रही हूँ क्योंकि आज वो कैंपिंग करने जाएगा, बच्चों के साथ खूब धमाचौकड़ी होगी तो खूब थक जाएगा, इसीलिए मैं उसको सोने दे रही हूँ कि उसकी नींद अच्छे से पूरी हो जाए, जब वो फ्रेश उठेगा तो अच्छे से खेलेगा। और यहाँ पे हमने कोकोनट वाटर ले लिया है, और हमारे वीकेंड की ना शुरुआत ऐसे ही होती है, टीवी लगाते हैं, गाने सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा खेलते हैं, बैठते हैं आराम से, उसके बाद फिर स्टार्ट होती है वीकेंड के ब्रेकफास्ट की। तो जी, आज ब्रेकफास्ट में बनने वाला है मूंग दाल चीला, वन ऑफ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट होता है ये। मूंग दाल मैंने कल रात को सोख करके रख दी थी, अभी बस इसका बैटर बना के रेडी करते हैं। बैटर बनाते वक्त ना मैं छोटा सा जिंजर का पीस और एक ग्रीन चिली ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा थिक रखा है मैंने बैटर, अभी इसको पानी डाल के इसकी एक जो मीडियम कंसिस्टेंसी होती है चीला बनाने के लिए वो कर लूँगी मैं। और हाँ, नमक ऐड कर दिया था। और मैं ये चीले ना फिलिंग वाले बनाती हूँ, तो मैंने जो थिन सेव होती है नायलन सेव वो ली है, उसके अंदर ग्रेटेड पनीर ऐड किया है, ग्रीन चिली और थोड़ा अनियन, और बेसिक मसाले जैसे कि थोड़ा सा गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर, अनारदाना पाउडर, बहुत टेस्टी लगता है। कभी भी आप भरवा पराठे बनाएं लाइक पनीर का या आलू का, उसमें अनारदाना पाउडर थोड़ा सा ज़रूर ऐड करना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा नमक ऐड किया है, तो ये जो है फिलिंग बन गई है चीले की, और ये है बैटर। बस उसके बाद क्या हुआ कि अंशुल चीले बना रहे थे, गरम गरम हम लोग चीले खा रहे थे, मैं फाइनल क्लिप लेना भूल गई, तो हमारा ब्रेकफास्ट मैंने आपको दिखा दिया, फाइनल क्लिप के लिए आई एम रियली सॉरी। और जैसा कि मैंने बताया था, पॉटलक के लिए आज हम लोग बनाने वाले हैं पुलाव, तो यहाँ पे राइस मैंने सोक करके रख दिया था, अराउंड 4 cup मैंने सोक किया है, और ये सारी वेजीज चॉप कर ली हैं। अब मैं अपने इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में फटाफट से पुलाव रेडी करूंगी। तो हम लोग ना अपने पुलाव में बीटरूट ज़रूर डालते हैं, उसमें ना कलर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे घी में बना रही हूँ पुलाव, सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, उसके बाद सारी वेजीज ऐड करके नमक ऐड किया है जिससे कि हल्की सी वेजीज कुक हो जाएँ। और मसालों में मैं बिरयानी एसेंस ज़रूर डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा एसेंस बहुत अच्छा आता है, अरोमा आता है। और एक मैं शाही पनीर मसाला ऐड करती हूँ और नमक, और बस जो अपने नॉर्मल मसालदानी के मसाले होते हैं ना, जैसे हल्दी पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, जस्ट वो ऐड कर रही हूँ। ये पुलाव ना मैं बेसिकली बच्चों को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ, तो मसाले थोड़े से साइलेंट ही रहेंगे, बहुत तीखा नहीं बना रही हूँ। बस थोड़ी सी जब वेजीज कुक हुई थी उसके बाद मैंने इसमें राइस ऐड कर दिया, और पानी उतना ऐड किया है जितना राइस था, तो अराउंड 4 cup मेरे राइस था, तो मैंने इसके अंदर 4.5 cup पानी ऐड किया है, ऊपर से थोड़ा सा बिरयानी एसेंस ऐड किया है, और बस राइस मोड ऑन कर दूंगी, अराउंड 12 मिनट्स में कुक हो जाएगा। उसके बाद बच्चों को रेडी कर दिया है शावर करा के, और लास्ट में अब बस मैं रेडी होंगी। सब लोग रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट रेडी हैं जाने के लिए, अभी आफ्टरनून हो गया है, तो मैं फटाफट से अपने बालों की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर रही थी। आज मैंने बहुत सारा ऑयल लगा के खूब अच्छे से चंपी कर रखी थी अपने बालों की, तो अभी बस हेयर वॉश किया है,
और थोड़ा सा स्टाइल कर रही हूँ। आप में से मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे प्रिया अपने बाल छोटे करा लो, क्योंकि मैंने शेयर किया था अभी मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा है। बट यार मुझे ना बहुत छोटे बाल पसंद नहीं है, और अंशुल को भी मेरे छोटे बाल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं कभी भी बहुत छोटे नहीं कराती। बट यस डेफिनेटली थोड़े छोटे कराऊंगी, क्योंकि अभी मैनेज करना मुश्किल हो रहा है बालों को, और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं अनियन का जूस भी लगाती हूँ अपने रूट्स में, जस्ट टू थोड़ा सा हेयर फॉल को स्टॉप करने के लिए। कभी शेयर करूंगी वीडियो में। सो दोस्तों सब कुछ पैक वैक कर लिया है, गाड़ी को स्टफ कर लिया है बहुत सारे सामान के साथ, ओवर किए किया है ऑब्वियसली। बच्चों के साथ मुझे नहीं पता छोटे बच्चे के साथ कैसा रहेगा, तो सुपर एक्साइटेड एज वेल एज अ लिटिल एंशियस। बट आई होप सारी फैमिलीज के साथ बच्चे भी कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं साथ में। तो यस सुपर एक्साइटेड, नाउ वी आर स्टार्टिंग। और अपना कैंपिंग का जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, होप करती हूँ आपको पसंद आई होगी और थोड़े कुछ टिप्स मिले होंगे। और जो आगे कैंपिंग से रिलेटेड टिप्स होंगे वो मैं आगे आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अमेजिंग वीडियो के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। सारे स्टोरीज में बहुत सब कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय सुनो बाय।